देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैविंग, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैविंग 1250 टर्न्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 250 वोल्ट सप्लाई. ओके, ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स जो दिया है 1250 टर्न्स जो है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, 250 प्राइमरी जो है 250 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है. तो पूछ रहा है डैश डैश वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज विल बी ऑब्टेन्ड इफ टैप इज टेकन एट 800 टर्न. ओके, तो बोल रहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा अगर टैप जो है कितने 800 टर्न पे लिया गया है. मतलब ये बोल रहा है, मान लीजिए, ओके, ये मान लीजिए टोटल टर्न जो है कितना है 1250. ओके, टोटल टर्न, टोटल तो 250 बोल रहा है कि 125 टर्न पे, टोटल 1250 टर्न पे 250 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, मतलब टोटल टर्न यूटिलाइज हुआ है. ठीक, यहां से कितना वोल्ट दिया गया है 250 वोल्ट. ठीक, तो अब बोल रहा है जो सेकेंडरी है, बोल रहा है सेकेंडरी जो है टैप किया गया है, टैपिंग जो की गई है यहां, ये पूरा का पूरा कितना है 1250 टर्न है, लेकिन जो टैप किया गया है यहां से सेकेंडरी टर्मिनल को निकालने के लिए टैप किया गया है 800 टर्न पे, इसमें टैप कर लिया गया, तो कितना वोल्टेज ऑप्टेन होगा यहां पे सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना है. ठीक, तो ये चीज देखिए कि 1250 टर्न कितने वोल्टेज को कंट्रीब्यूट कर रहा है 250 वोल्ट को. ठीक, तो 1250 टर्न जो है 250 वोल्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक, तो वन वन वोल्ट कितने, अरे वन टर्न जो है कितने वोल्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा पर यूनिट टर्न, 250 डिवाइड बाई 1250. ठीक, तो 800 हमें कितना निकालना है कि सेकेंडरी किस कितने पे स्टेप किया गया है 800 टर्न को लिया गया है, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, तो सेकेंडरी वोल्टेज 800 टर्न पे कितना होगा 250 डिवाइड बाय 1250 इंटू 800, है कि नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना आएगा. ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई 1250 इंटू 800, ये हमारा कितना आ गया 160 वोल्ट. ओके, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना आएगा 160 वोल्ट. ओके, हमारा आंसर कितना है 160 वोल्ट. ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग 250 वोल्ट पर दी गई, तो सेकेंडरी हमारा वोल्टेज कितना मिला 160 वोल्ट मिला. ओके, टैपिंग जो है 800 टर्न्स पे की गई, 800 टर्न्स के बाद. ठीक, ये रेफरेंस वैल्यू है माइनस टू प्लस. चलिए, थैंक यू.